वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं श्वेता और आज मैं आई हूँ इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देखने। जंतर मंतर न केवल साइंटिफिक क्रिएशन है बल्कि अपने टाइम का ब्रिलियंट आर्किटेक्चर का उदाहरण भी है और ये साइट दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। जंतर मंतर इंडिया का रिच साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज है और आज भी एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। इस समय मैं हूँ जंतर मंतर जयपुर में, जहाँ इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सन क्लॉक भी है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और इसे बनवाया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने और महाराजा सवाई जयसिंह को सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, इनसे काफ़ी फैसिनेट थे वो, तो इसलिए उन्होंने ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी पूरे इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, लाइक नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। बाकी सबकी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नई दिल्ली और जयपुर काफ़ी सही हालत में है। और इस समय मैं हूँ जयपुर में जंतर मंतर में। यहाँ की क्लॉक आपको जयपुर का लोकल टाइम दिखाएगी। जयपुर के लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस होता है और ये है 23 मिनट का। यहाँ जो टाइम होगा उसमें आप 23 मिनट ऐड करेंगे तो हमारी वॉच का टाइम दिखाएगा। और यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉर्निंग 6 to 12 इस दीवार पर शेडो आएगी तो टाइम यहाँ बताएगा और 12 to 6 इस तरफ टाइम बताएगा। और इसको 4 पार्ट्स पर डिवाइड किया गया है। एक पार्ट 15 मिनट का होता है और फिर 15 मिनट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मीन्स 5-5-5 मिनट के पार्ट्स में। और कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। 12 बज चुके हैं तो 15, 30, 45 और ये 3 तो टोटल 48, मीन्स 12:48। और अब इसमें हम 23 मिनट ऐड करते हैं तो आता है 1:11, मीन्स 1:11। और ये शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती। और ये है ध्रुव दर्शक पट्टिका। ये यहाँ का सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। रात में यहाँ से आप अगर स्ट्रेट आसमान में देखेंगे तो जो स्टार आपको नजर आएगा वो पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा होगा। ये है नाडी वलय। इसमें 2 सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट हैं तो जब सन नॉर्थ में होता है तो इस वाली घड़ी में शेडो आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई शेडो नहीं है, मीन्स अभी सन साउथ में है। तो हम इसके बैक साइड वाली घड़ी को देखते हैं। तो अभी सन साउथ में है तो ये वाली घड़ी यूज होगी। यहाँ पर आप शेडो देख सकते हैं और कैलकुलेशन के लिए सेंटर में रॉड लगी है जिसके शेडो से आप इजीली टाइम देख सकते हैं। टाइम देखने के बाद आपको उसमें 23 मिनट ऐड करने हैं और ये वाली क्लॉक काम करेगी केवल 23 सितंबर तक। फिर सन चला जाएगा नॉर्थ में और फिर वो वाली क्लॉक काम करेगी। और ये है यंत्र राज। ये नक्षत्र की लोकेशन देखने के लिए यूज होता है। आप यहाँ बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि जयपुर के इस साइट में कौन सा नक्षत्र किस जगह पर है। ये ग्लोब दिखा रहा है, यहाँ आपको काफी सारे नाम दिख जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये सारे नाम कॉन्स्टेलेशंस के नाम पर है। नाइट में टेलीस्कोप लगाने पर एक पर्टिकुलर ग्रिड में घुमाने पर आपके सामने वाले पॉइंट में नक्षत्र का नाम दिखाई देगा और सामने आकाश में
वो दिखाई भी देगा। और ये है जय प्रकाश यंत्र। ये सन की लोकेशन को दिखाता है और सन अभी किस राशि में चल रहा है, मीन्स सनशाइन क्या है, वो भी दिखाता है। ये दिखाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी राशि क्या होगी। और वैसे ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दें तो ग्लोब बनता है और इसके सारे मिसिंग पार्ट उसमें लगे हैं, दूसरे वाले पार्ट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेट का शेडो किसी भी वाइट मार्बल पर नहीं आ रहा, गैप में आ रहा है, मीन्स ये होगा दूसरे पार्ट में। अब आपको शेडो दिखाई दे रही होगी, तो ये जिस ब्लॉक में है वो है वृषभ यानी टॉरस राशि। तो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी राशि वृषभ होगी यानी टॉरस होगी। और ये पूरे एक मंथ तक चलता है। और मैं लियो ढूंढ रही थी, तो यहाँ पर आप शैडो देख रहे हैं। जितने डिग्री पर ये शैडो होती है उसे हम नोट कर लेते हैं और नाइट में हमें टेलीस्कोप लगा के इस डिग्री पर देखना होता है तो हमको नजर आ जाएगा कि बच्चे ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टेलेशन देखने के काम में आता है। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक और इसका नाम है वृहद सम्राट यंत्र। और इसकी एक्यूरेसी है 2 सेकंड की और पिछली वाली क्लॉक थी उसकी एक्यूरेसी थी 20 सेकंड की। और ये है राम यंत्र, इसे भी 2 पार्ट में बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि पोल का शैडो गैप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होगा दूसरे पार्ट में। और ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दिखाता है, मींस कितना एंगल बन रहा है और कितना रोटेशन हो रहा है। आप शैडो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिग्री दिखाई देती है। हम ऊपर जाते हैं तो पता चलता है ये जयपुर और सन के बीच एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये दिखाता है। तो ये बन रहा है 74 डिग्री। रोटेशन देखना हो तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया फिलहाल, क्योंकि बच्चे इसमें लटक कर झूला झूलने लगते थे। और यहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंट का प्रोटोटाइप बनाया गया है और उसके बाद मेन इंस्ट्रूमेंट है। और इसी के साथ हमारा जंतर मंतर का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग,
स्टे कनेक्टेड।